हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग आपको बताने वाले हैं ACL के एक स्पेशल ग्रुप के पेशेंट्स के बारे में, जिन्हें कहते हैं पीडियाट्रिक ACL टियर। पीडियाट्रिक यानी बच्चों में होने वाले ACL टियर। बच्चों में जो हम लेते हैं, मेनली जो ग्रुप ACL के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो आते हैं 8 साल से लेके और 16 साल तक के बच्चे। अब आप लोगों को पहला प्रश्न ये उठता है दिमाग में कि क्यों पीडियाट्रिक ACL के जो पेशेंट्स हैं वो अडल्ट ACL यानी बड़ों में, यानी 17 साल की उम्र के बाद जो ACL का इलाज होता है उसमें, और बच्चों के इलाज में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दोस्तों, बच्चों के इलाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि बच्चों का शरीर बढ़ता हुआ होता है, तो बढ़ते हुए शरीर के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि अगर आप उसमें ACL का इलाज करते हैं तो उसमें अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाए, जैसे कि टनल्स को बनाते वक्त हड्डी के अंदर जब हम ग्राफ्ट के लिए टनल्स बनाते हैं, तो उसकी वजह से बोन की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे बच्चों का पैर छोटा बड़ा हो सकता है। इसलिए पीडियाट्रिक ACL की सर्जरी करना बहुत ही चैलेंजिंग रहता है। दूसरा प्रॉब्लम जो ACL के साथ बच्चों में आता है वो ये कि उनके जो ग्राफ्ट होते हैं दोस्तों, बहुत ही छोटे और कई बार उनकी लंबाई बहुत ही कम रहती है, क्योंकि वो उनकी साइज़ कम रहती है, तो ग्राफ्ट का चुनाव भी इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पीडियाट्रिक ACL के बारे में सारी जानकारी डिटेल में दूंगा। जैसा कि आजकल आपने देखा होगा कि स्कूलों में बच्चों को बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स और रनिंग, जंपिंग ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाती है, इन सब वजहों से आजकल काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास ACL टियर के साथ आ रहे हैं। अगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 टियर होता है और बच्चे को रनिंग करने में, जंपिंग करने में, स्पोर्ट्स करने में कोई दिक्कत नहीं आती, तो हम लोग बच्चों को नी ब्रेस दे देते हैं और उनको कुछ महीने के लिए स्पोर्ट्स से दूर रहने की सलाह दी जाती है। उसके बाद हम उनकी एक्सरसाइज कराते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं, और एक बार जब उनका घुटना पूरी तरह सही हो जाता है तो दोबारा से उन्हें गेम में स्टार्ट करा देते हैं। लेकिन यदि ग्रेड 3 टियर है, या फिर पेशेंट को यानी बच्चे को भागने दौड़ने में लगातार कसरत करने के बाद भी दिक्कत आती रहती है, 2 से 3 महीने बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है और बच्चा रनिंग नहीं कर पाता, या रनिंग करता है तो उसके घुटने में दर्द होता है या फिर उसे ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगा, तो ऐसे में हमें सर्जरी का डिसीजन लेना पड़ता है। अब सर्जरी का जो डिसीजन होता है, उस वक्त हमें सबसे पहले बच्चे की एज और उसकी हाइट को ध्यान में रखना पड़ता है। हमें ये देखना पड़ता है कि बच्चे की अभी हाइट कितनी और बढ़नी बाकी है, उसी के बेसिस पे हम ये डिसीजन लेते हैं कि इसके ACL का रिपेयर करने में कौन सी टेक्निक को यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों, ACL के अगर बच्चे की जो हाइट है वो 4 से 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बढ़ने वाली है, यानी उसकी उम्र 12 या 13 साल ही है, तो उस वक्त इस प्रकार की टेक्निक को उपयोग में लिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी फाइसिस को बिल्कुल भी डैमेज ना हो। इसे फाइशियल स्पेयरिंग टेक्निक कहा जाता है। यदि बच्चे की उम्र 14, 15 या 16 साल है और हमें पता है कि अब उसकी जो हाइट है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, तो उस वक्त हम ट्रांसफाइजियल टेक्निक का प्रयोग करते हैं। बच्चों में ACL के रिपेयर करने के जो सेंटर्स हैं दोस्तों, वो इंडिया में बहुत ही गिने चुने सेंटर हैं। तो यदि आपके परिवार में भी कोई छोटा बच्चा है जिसके की ACL इंजरी हुई है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बच्चों में एक और खास तरह की ACL इंजरी होती है, जिसे ACL बोनी एवल्जन कहा जाता है। बोनी एवल्जन में क्या होता है कि ACL बीच में से टूटने की बजाय हड्डी के एक पीस के साथ उखड़ जाता है। इस टेक्निक का भी एडवांस इलाज हमारे यहाँ उपलब्ध है। इसके अंदर हम बच्चे के पैर में कोई स्क्रू या मेटल का उपयोग नहीं करते, बल्कि सूचर स्पेशल फाइबर वायर की सहायता से ही ACL को रिपेयर कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चे में किसी प्रकार का आगे जाके कोई ग्रोथ डिस्टरबेंस नहीं होता और वो आराम से 2 से 3 महीने में ही खेलने कूदने लायक हो जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी पीडियाट्रिक ACL के बारे में। अगर आपके पास भी या आपके घर में कोई बच्चा है जिसकी उम्र 16 साल से कम है और उसे ACL इंजरी है, तो आप व्हाट्सएप द्वारा या कमेंट सेक्शन के द्वारा हमसे और ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पीडियाट्रिक ACL का इलाज भी उतना ही आवश्यक है जैसे बड़ों में ACL का इलाज होता है। पुराने ज़माने में जिस प्रकार से बच्चों में ACL को टाल दिया जाता था कि जब ये बड़े होंगे तभी कराएंगे, ये आजकल नहीं माना जाता। अगर पीडियाट्रिक ACL को सही समय पर इलाज ना किया जाए तो उनके अंदर मेनिस्कस और कार्टिलेज इंजरी होने के चांस रहते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपके घर में अगर किसी बच्चे को पीडियाट्रिक ACL इंजरी हुई है, उसका ACL लिगामेंट ब्रेक है, तो आप ACL के बच्चे को, जिसको कि ACL टियर है, उसको हमारे हॉस्पिटल में लाके इलाज करा सकते हैं।
ये जो ऑपरेशन होता है दोस्तों, वो दूरबीन की सहायता से किया जाता है। इसमें किसी प्रकार की चीरा फाड़ी नहीं होती, मुश्किल से दो या तीन ही टांके आते हैं। ऑपरेशन के बाद एक बहुत छोटी सी बैंडेज और नी ब्रेस लगाना पड़ता है। ऑपरेशन के दो दिन बाद ही बच्चे को स्कूल हॉस्पिटल से छुट्टी दी जाती है। और जहाँ तक काफ़ी लोगों का एप्रीहेंशन होता है कि बच्चा स्कूल कब जाएगा, तो 10 से 15 दिन में बच्चा स्कूल ज्वाइन कर सकता है। दो या तीन स्टिचेस होते हैं जिसे 15 दिन बाद निकाल दिया जाता है और बच्चे को कसरत स्टार्ट करा दी जाती है। 1.5 महीने बाद बच्चा नी ब्रेस के बिना चल फिर सकता है। 3 से 4 या 5 महीने बाद हम बच्चे को साइकिलिंग और छोटी मोटी रनिंग एक्टिविटी स्टार्ट करा देते हैं। मोटे तौर पे आप माने तो 1.5 से 2 महीने में बच्चा काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाता है और सारे काम जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना, उतरना, चलना फिरना ये करने लग जाता है। जहाँ तक रनिंग और स्पोर्ट्स का प्रश्न है दोस्तों, 7 से 8 महीने बाद धीरे धीरे रनिंग स्टार्ट कराई जाती है और 9 से 10 महीने बाद बच्चा गेम स्टार्ट कर सकता है। यानी 9 से 10 महीने बाद वो दोबारा से फुटबॉल, क्रिकेट इत्यादि खेल सकता है। कुछ बच्चों में रिकवरी थोड़ी स्लो होती है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा अगर इंजर्ड है लेकिन दोबारा से फुटबॉल, क्रिकेट खेल सके और बिल्कुल पहले जैसा ही हो जाए, तो आप ACL के इलाज में बिल्कुल भी देरी ना करें और हमसे कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।